यू आर वेलकम ऑन एक बार फिर से रिव्यू। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस वाली बटर चिकन की रेसिपी। YouTube में बहुत सारे बटर चिकन के रेसिपी दिए हुए हैं, लेकिन उन्हें देखकर समझ में नहीं आता कि कौन सा वाला बनाया जाए। तो आज जो मैंने बनाया है और ये रियली बहुत ज़्यादा अच्छा टर्नड आउट हुआ है। और ये किसकी रेसिपी है, मैंने किसकी रेसिपी देखकर बनाई, कहाँ से सीखी, सब मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लौंग, इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, तेज़पत्ता, ये सब ले लिया है, और बड़ी इलायची भी, साथ में अदरक है, लहसुन है और 5-6 काजू है। तो इन सारे चीज़ को मुझे कर लेना है बॉयल। तो यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा पानी डाला है और सारी चीज़ों को मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और इसे गलने के लिए धीमी आँच पर छोड़ दूँगी। इतना गला देना है कि सब चीज़ एक दूसरे में मिल जाए और फिर इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने सब चीज़ डालकर इसे गलने के लिए छोड़ दिया है और अब बारी आती है मैरिनेशन की। यहाँ पर चिकन 2 बार मैरिनेट होता है। तो सबसे पहले जो चिकन जो है वो नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू में मैरिनेट होता है। और यहाँ पे 300 ग्राम चिकन है और यहाँ पे मैंने लगभग 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और नींबू का रस दिया है। उसको अच्छे से मिक्स करके लगभग 1 घंटा के लिए मैंने छोड़ दिया था मैरिनेशन को। और ये जो रेसिपी है मैंने सीखी है शेफ़ कुणाल कपूर से, उनका भी यूट्यूब चैनल है। और मैंने बहुत बार बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखकर उनकी रेसिपी को कॉपी करने की कोशिश की घर पर उतना अच्छा टर्नड आउट नहीं हुआ। पर ये वाला बटर चिकन जो है ना रियली अमेजिंग था, एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आ रहा था। तो अगर आप बटर चिकन बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसको आप फॉलो करें। और मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं और बना लेते हैं ना रियली बहुत अच्छा टर्नड आउट होने वाला है। तो ये मसाला जो है मेरा गल चुका है और इसका मैं अभी पेस्ट तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर उसी मसाले को फिर से पकाना है। बटर मैंने डाला यहाँ पे लगभग 2 बड़ा चम्मच, अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्च है। ये दोनों चीज़ आप बटर में ज़रूर डालें, एक इतना अमेजिंग सा टेस्ट आ जाएगा ना आपके इस बटर चिकन में, आप एकदम फील करेंगे कि आप एकदम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो मैंने इस मसाले को बिल्कुल धीमी आँच में इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया है और लगे हाथ मैं अब चिकन का सेकंड मैरिनेशन शुरू करूंगी। तो चिकन तो पहले से मैरिनेट है और ये सेकंड मैरिनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च का जो कलर है ना वो सरसों के तेल में बहुत ही खिल कर आता है। आपको कोई भी अलग से कलर डालने की ज़रूरत नहीं अगर आप इस तरह से ऐसे करते हो तो। और आप देखिएगा जब ये बटर चिकन बन जाएगा तो कितना अच्छा टेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है और यहाँ पे मैं कर्ड डाल रही हूँ। और ये कर्ड जो है वो बिल्कुल गाढ़ा जमा हुआ दही है और इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। और सब चीज़ को अच्छे से डालकर मिक्स कर देना है और उसके बाद फिर इसमें चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर देना। यहाँ पे थोड़ा सा नींबू भी जा रहा है। तो यहाँ पर मैं तवे पर बटर लगा रही हूँ और यहाँ पे बिल्कुल टिक्का जैसा तैयार होगा वो चिकन। तवे पर ही उसे टिक्का जैसा गला लेना है। इट मीन्स कि हम लोगों को 2 स्टेप में बटर चिकन बनाना है। पहला स्टेप था मसाला ग्रेवी तैयार करो और सेकंड स्टेप है ये टिक्का तैयार करो। तो टिक्का हम लोग कोयले पर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन कोयला यूज़ करना हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने तवा पे ही कर लिया है। और चिकन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गल चुका और उसमें बहुत ही अच्छे से लाल लाल पैचेस भी आ चुका है टिक्का की तरह। और यहाँ पे ग्रेवी भी रेडी है, बस ग्रेवी में आपको नमक टेस्ट कर लेना है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक जा रहा है और इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शक्कर यानी कि चीनी और कसूरी मेथी और सब चीज़ को अच्छे से मिक्स करके उसमें ये चिकन का टिक्का ऐड कर देना है और लगभग 5 मिनट के लिए इसे और पकाना है। और इसे मैंने थोड़ा सा बटर भी ऊपर से डाला। 5 मिनट इसे आप छोड़ दें और इसमें कोयले जलाकर कोयले का धुआं लगा दें, बिल्कुल मुगलाई टेस्ट आ जाएगा, कोयले की महक इसमें आ जाएगी और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट बटर चिकन का आ जाता है। इसको गार्निश कर दें आप छोटे छोटे अदरक कटे हुए से। बटर चिकन ज़रूर ट्राई करें, नीचे कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादातर सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।